विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी के सौंदर्यकरण के लिए नगरोटा वागमा के वास्तुकला महाविद्यालय जो राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज की ही एक शाखा है, उस कॉलेज के 50 छात्रों ने बीड़ा उठाया है। एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा के आग्रह पर इस कॉलेज के विभाग प्रमुख सतीश कटवाल और उनके साथ एसोसिएट प्रोफेसर हर्षोदय, रोहित कुमार, प्रणव कुमार, अमन की टीम अपने साथ 50 प्रशिक्षु वास्तुशिल्प की टीम लेकर मैया ज्वालामुखी के नगरी को सजाने व संवारने के लिए आए हैं। ज्वालामुखी शहर के कई स्थानों पर दीवारों में ये पेंटिंग की जा रही है जो कई जागरूकता भरे संदेश दे रहे हैं। क्षेत्र की सुंदरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण बचाने, वनों की रक्षा करने, पानी को बचाने के अलावा कई संदेश व अनुभव साझा किए जा रहे हैं जिनको लोग पढ़ भी रहे हैं। डॉक्टर सतीश डडवाल ने बताया कि ज्वालामुखी प्रशासन का ये एक सराहनीय कदम है। सतीश कटवाल विभागाध्यक्ष वास्तुकला राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से अपनी टीम के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 50 बच्चों की टीम है और हम सब शहर के सौंदर्यकरण के लिए लगे हुए हैं। सौंदर्यकरण की जो प्रक्रिया है उसे 28 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में बागाच नोगी में उप तहसील खोलने की घोषणा की। उन्होंने सिराज क्षेत्र में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विधानसभा क्षेत्र में लगभग 13 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन भी किए। बागाच नोगी में उपस्थित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने पिछले 2 दशकों में उन्हें पूर्ण समर्थन दिया है जिसके लिए वे इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र को कई सड़कों और ग्रामीण सड़कों परियोजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र में विकास की गति में और तेजी लाने के लिए सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर है और राज्य के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके गतिशील नेतृत्व के कारण भारत भविष्य में विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की समस्याओं, मुद्दों और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए जनमंच का शुभारंभ किया है। जो लोग अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए जनमंच में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनकी समस्याओं के निदान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री ने बागाच नोगी में 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने 150 लाख रुपए से निर्मित होने वाले बागाच नोगी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल के कार्यालय एवं सहायक अभियंता आवास की आधारशिला भी रखी। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बागाच नोगी दारवा थाच और शिव कुटीर के भवन तथा बाटकी दार बस पहनी दार में वन निरीक्षण कुटीर के निर्माण के आधारशिला भी रखी। इस मौके पर स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान परमदेव ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जबकि स्थानीय नेता टिकट राम ने क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त रखने का आग्रह किया। इस अवसर पर विष्णु मल्होत्रा देवता मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 21,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी एवं अध्यक्ष अस्पताल रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर साधना ठाकुर, वन विभाग के प्रधान मुख्य अरियन पाल अजय कुमार, वन अरियन पाल उपासना पटियाल, उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा, अधीक्षक अभियंता हिमुंडा सुरेंद्र, अधिशासी अभियंता ललित गुलजारी लाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सदमा में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व के तृतीय दिवस शिविर का आयोजन किया। इसके सत्रोत व्यक्ति मूलक राज शर्मा, प्रधानाचार्य संसार
जयपुर टेरेस कांगड़ा के रहे प्रथम वक्ता शर्मा ने पौराणिक ऐतिहासिक व लौकिक कथाओं व प्रसंगों के माध्यम से स्वयं सेवियों को समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा वक्ता प्यार सिंह चाड़क ने स्वयं सेवियों को व्यक्तित्व विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत करवाया। इस आयोजन में बीडीसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय के प्रधानाचार्य चंद्र रेखा ने महिला सशक्तिकरण के विषय पर विस्तृत ज्ञान दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुंद्रा बलवान व कुमारी संयुक्ता ने वैदिक स्तर के तीनों वक्ताओं को एनएसएस की डायरी कैप व बैग लगाकर सम्मानित किया। सदमा स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुंद्रा व दिलीप ठाकुर ने बताया कि चंबा और कांगड़ा से 130 स्कूलों के लगभग 450 छात्र व छात्राओं ने हिस्सा लिया। इन बच्चों को पीआरडी के लिए तैयार किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों को तैयार करने में 10 मास्टर ट्रेनर 3 ऑस्बर व स्टेट समन्वयक राज्य कार्य समन्वयक शशिपाल राणा का प्रमुख योगदान रहेगा। इस शिविर में बच्चों को सुबह के समय प्रभात फेरी योगा तथा सामाजिक कार्यों के बारे में शिक्षा देने के साथ किया जाता है।